नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हिंसा के बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। मोदी सरकार किसी भी अपराधी, किसी भी उपद्रवी, किसी भी वामपंथी नेता या फिर वामपंथी पत्रकार को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के तुरंत बाद ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। वहीं 26 जनवरी के दिन क्या हुआ, ये नजारा आपने अच्छी तरीके से देखा। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली की आड़ में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक हिंसा को अंजाम दिया। ये हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लगातार पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लाल किले पर तो ये नौबत आ गई थी कि हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर दिया गया, एक विशेष धर्म का झंडा लाल किले पर लगा दिया गया। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि जहां ये हिंसा बढ़ रही थी, वहीं कुछ ऐसे वामपंथी नेता हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, जिन्होंने इस हिंसा को और भी ज्यादा भड़काने की साजिश रची थी। और इन्हीं वामपंथी नेता और वामपंथी पत्रकारों के खिलाफ आज जबरदस्त कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है, उसके लिए पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हिंसा को भड़काने की साजिश रचने वालों पर आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए, अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल अफवाह फैलाने के मामले में जो सबसे पहला नाम आया है वो है वामपंथी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर, ये दोनों ही वामपंथी की कैटेगरी में आते हैं। एक वामपंथी पत्रकार है, एक वामपंथी नेता है और इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, इनके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला अब दर्ज कर दिया गया है। आपको उन सभी के नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन से वो पत्रकार या नेता हैं जिनके खिलाफ ये मामला अब दर्ज किया गया है। राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंतनाथ व विनोद जोश, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। इन सभी पर हिंसा भड़काने का आरोप है, अफवाह फैलाने का आरोप है। दरअसल इन्होंने एक अफवाह फैलाई थी। आपको याद होगा जब जिस दिन ये हिंसा हुई थी, उस दिन ट्रैक्टर पलटने की वजह से एक प्रदर्शनकारी किसान मारा गया था। आपने वो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि कैसे ट्रैक्टर पलटा और ट्रैक्टर के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन इन वामपंथी पत्रकारों ने और वामपंथी नेताओं ने अफवाह फैलाई कि दिल्ली पुलिस की गोली लगने के बाद इस प्रदर्शनकारी की मौत हुई है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शनकारी की जान ली थी। ये अफवाह इन वामपंथी नेता और वामपंथी पत्रकारों ने फैलाई थी, जिसका खामियाजा आज इन्हें भुगतना पड़ा है। आपको बता दें, इन सभी पर देशद्रोह, शांति भंग, धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपित मिश्रा नाम का ये शख्स है जिसकी ओर से ये शिकायत दी गई और शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया कि इन नामजद लोगों ने गलत पोस्ट किए और दंगा भड़काने की साजिश की गई। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने कहा कि 26 जनवरी 2021 को
जानबूझकर कराए गए दंगों से अत्यंत दुखी हूँ। कुछ व्यक्तियों ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ऐसा कार्य किया जिससे देश की सुरक्षा और जनता का जीवन खतरे में पड़ गया। एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोक सेवकों की हत्या के उद्देश्य से इन लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे कराए। तो ये अब इन पर आईपीसी की ये इतनी सारी धाराएं लग गई हैं, देशद्रोह का मामला भी इन पर दर्ज कर दिया गया है। अब किसी भी वक्त इन सभी की गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है, क्योंकि गिरफ्तारी के बिना काम चलने वाला है नहीं। गिरफ्तारी के बाद ही शायद इनकी अकल ठिकाने आ जाए। हालांकि इनमें से कुछ जो नेता हैं, जैसे कि शशि थरूर जिनका नाम है और राजदीप सरदेसाई, इनके बारे में तो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, ये इनके खिलाफ कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका ऐसा हश्र होने वाला है जिसके बाद ये अफवाह फैलाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। एक खबर की किस तरीके से एक पत्रकार के रूप में, एक पत्रकार का सबसे अहम रोल ये होता है कि वो रिसर्च करे, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद ही खबर देश की जनता तक पहुंचाए। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने बिना किसी फैक्ट, बिना किसी सबूत, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक अफवाह फैला दी कि दिल्ली पुलिस के हाथों एक प्रदर्शनकारी किसान मारा गया, और बल्कि ट्रैक्टर पलटने की वजह से वो खुद ट्रैक्टर के नीचे आ गया। उसने ट्रैक्टर एक डिवाइडर में देकर मारा था, जिसके बाद ट्रैक्टर पलट गया और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन अफवाह कि दिल्ली पुलिस की गोली उसके लगी जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं शशि थरूर, इन्होंने भी नहीं किया। इन्होंने भी बिना देर किए सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट करने शुरू कर दिए। तो ये है हालात। वही इनकी बात तो हो ही गई है, वही इसके अलावा जो किसान नेता हैं उनके खिलाफ भी गृह मंत्रालय ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, राकेश टिकैत समेत 20 नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और इनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं ने हमें धोखा दिया और इन किसान नेताओं को 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अब तक कुल मिलाकर 37 किसान नेताओं पर FIR हो चुकी है और इस हिंसा के दौरान 386 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। कल गृह मंत्री अमित शाह इन सभी पुलिस वालों को देखने पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता पुलिस वालों से मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह खुद हर एक पुलिस वाले का हालचाल पूछ कर आए। तो कहीं ना कहीं जितने भी जख्मी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके जो जख्म हैं वो जख्मों को भरने का वक्त आ गया है, और कैसे ये जख्म भरे जाएंगे इस कार्रवाई के लिए अमित शाह सबसे बड़ी मिसाल माने जाते हैं। तो दोस्तों इस खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक ज़रूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको वक्त पर हर खबर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।